ये देखो भाई, प्लेन सीधी रोड है और गाड़ी का मैंने स्टीयरिंग ऐसा छोड़ दिया है। अब ये देखो धीमे धीमे ये गाड़ी राइट साइड को जा रही है, ये देख रहे हो, ये धीमे धीमे गाड़ी राइट साइड को जा रही है। स्टीयरिंग मैंने छोड़ रखा है, इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग मेरे को चेक करवानी पड़ेगी भाई। ये देखो अभी मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये देखो सीधी जा रही है गाड़ी, अपने आप ही गाड़ी जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन दिया वैसे ही गाड़ी राइट साइड को जा रही है, देख रहे हो। ये देखो भाई, अब देखो जैसे ही मैं गाड़ी में इंस्टेंट ब्रेक लगाऊंगा ना, तब देखना ये गाड़ी इधर उधर जाएगी। देखो मैं अभी दिखाता हूँ अभी आपको, अब मैंने गाड़ी न्यूट्रल में कर दी, अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो ब्रेक दबाते तो सीधी आई है अभी, वरना पहले अभी ये हुआ था जैसे ही मैं एक स्पीड में आके ब्रेक लगा रहा था गाड़ी राइट साइड को जा रही थी। ये देखो भाई, इसका स्टीयरिंग मैंने हल्का सा टर्न किया है और देखो अपने आप सेंटर में ही नहीं आ रहा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जैसे कि अभी आपने देखा, कभी गाड़ी राइट जा रही है कभी लेफ्ट जा रही है, तो भाई इसका अब टाइम आ चुका है अलाइनमेंट बैलेंसिंग का। वैसे तो देखो यार, हर 5000 किलोमीटर में अलाइनमेंट बैलेंसिंग चेक करवा लेना चाहिए, लेकिन मेरी गाड़ी 10000 किलोमीटर प्लस ही चल चुकी है, मतलब 10200 या 10300 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक मैंने इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराई। तो भाई मेरे को करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो ये मेरे टायर है ना, ये जो भाई अपोलो के टायर है जिनकी मैं तारीफ करता रहता हूँ, ये भाई घिस जाएंगे ऐसे ही, मेरी गलती के चक्कर में घिस जाएंगे। तो मैं करवा लेता हूँ इसकी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, और कॉस्ट क्या आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आफ्टर मार्केट कराने वाला हूँ मैं, टोयोटा से नहीं करवा रहा ना मारुति से करवा रहा हूँ मैं, आफ्टर मार्केट ही अपने मेरे घर के पास में जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग की शॉप है उन्हीं के पास ही जा रहा हूँ। अब देखो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर सपोज करो आपकी गाड़ी 80 या 90 से अबव चल रही है, तो अगर आपके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आ रही है ना, फील हो रही है 80 90 से, जैसी गाड़ी ऊपर जा रही है और आपके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील हो रही है, तो समझ जाना कि भाई आपकी गाड़ी को बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और जब आपकी गाड़ी या लेफ्ट या राइट जा रही हो, जैसे कि मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा था, ये कभी लेफ्ट जा रही है कभी राइट जा रही है, तो समझ जाना आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है, ठीक है। लेकिन मेरी गाड़ी 10200, अभी दिखा देता हूँ कितनी चल चुकी है, 10200 भी नहीं है, तो 11000 चलने वाली है। ये देखो 10998 किलोमीटर चल चुकी है, 10998 किलोमीटर गाड़ी अपनी चल चुकी है। तो इसमें तो मेरे को इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग दोनों ही चेक करवा लेना चाहिए। अब बताओ 11000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अभी तक मैंने इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग तक नहीं कराई एक बार भी, लेकिन अब मेरे को करवा लेना चाहिए भाई, वरना तो इसके जो टायर है ना, ये भाई साहब घिस जाएंगे, अनइवन घिसेंगे, घिसेंगे तो सही लेकिन अनइवन घिसेंगे। और अभी तो इन टायरों को तो भाई रीसेल भी तो देना है, क्योंकि 18 इंची अलॉय व्हील्स लगेंगे, तो भाई इन टायरों को अभी तो अच्छा वैल्यू मिलना चाहिए ना। तो यार मैंने सर्विसिंग के टाइम में नहीं करवाया था, क्योंकि वो लोग जो सर्विस सेंटर में जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डबल पैसे लेते हैं, तो मैं सोचा यार क्यों इन्हें डबल पैसे देना जब आफ्टर मार्केट ही इतना अच्छा काम हो जाता है। तो भाई चलो चलते हैं, सीधा अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं शॉप पे। और अभी तो उसका स्टीयरिंग अपने आप सेंटर आ रहा है, वरना मैंने और गाड़ियों में देखा है कि जो मारुति की गाड़ियां में रहता है कि ना, स्टीयरिंग वापस नहीं आता, बीच में नहीं आता, रीसेंटर में नहीं आता, लेकिन इसका तो अभी आ रहा है। लेकिन इसकी दिक्कत यही आ रही है कि देखो हल्का सा टिल्ट किया, ये देखो भाई ये तो पार जाएगी, डिवाइडर में जाएगी सीधा एकदम। ये मेन दिक्कत पता है क्या आ रही है, मेन दिक्कत ये आ रही है कि भाई आज है 2 अगस्त और मैं हूँ अभी फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में क्या दिक्कत चल रही है कि 1 अगस्त और 2 अगस्त से, मतलब कल से और आज, भाई नेट ही नहीं चल रहा है, सिर्फ जो है वाईफाई चल रहा है, नेट से पेमेंट नहीं हो पा रही है, मतलब मोबाइल डाटा ही आपका नहीं चल रहा, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। कुछ हो चुका है यहाँ पे, कुछ काम हो चुका है जो आप लोगों को भी पता ही होगा, मैं ऐसे बताना नहीं चाहता। तो अब मेरे को दिक्कत ये है कि मेरे पे कैश नहीं है, ठीक है, तो अब मेरे को उससे पहले पूछना पड़ेगा कि भाई तेरा अगर वाईफाई चल रहा है तो बता दे, मैं पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि ना मेरे पे कैश है ना मेरे पे एटीएम है, मैं सिर्फ यूपीआई ही करता हूँ, तो यूपीआई ही मेरे पे है। अगर उस पर वाईफाई चल रहा होगा तो आज मैं इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा लूँगा, और अगर उसका वाईफाई या उसका जो भी है नेट से पेमेंट अगर नहीं हो पाई, तो मैं आज अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि 3 अगस्त से नेट ऑन होगा हमारे फरीदाबाद पलवल गुड़गांव में, ठीक है। भाई ये रही शॉप, ये मेरे घर के एकदम पास में ही है, तो यहीं से करवा रहा हूँ, क्योंकि खामा का कौन ही दूर जाए। अब बस यही है, इनका वाईफाई चल रहा हो तो मैं पेमेंट कर दूंगा, नहीं तो आज अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। वाईफाई चल रहा है, वाईफाई हो जाएगी नेट से पेमेंट ऑनलाइन, वाईफाई तो हो जाएगी, वो चल रहा है ना, क्योंकि मेरे पे कैश नहीं है ना, एटीएम है, यूपीआई है, बात कर लो, पूछ लो एक बार भाई, पूछ रहे हैं ये।
अबे भाई हो जाएगी ना, अलाइनमेंट बैलेंसिंग है इसकी। कितने कितने की है यहाँ, कितने की होती है हाई राइडर? वही पैसे पता करने गए हैं, क्योंकि पहले पूछ लेता हूँ ना यहाँ पे कितना का क्या हिसाब है। भाई अभी टायर के नीचे देखने गया है कि ये हाइब्रिड है कि नहीं है। मेरे को लगता है जो हाइब्रिड है उनके अलग पैसे हैं, और जो नॉन हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनके अलग पैसे हैं। तो ये देखने आया था ये कि मेरी गाड़ी के अंडर बॉडी में टायर है या नहीं है। तो वही ऐसे कुछ इनके हिसाब रहते हैं अलग अलग, महंगी गाड़ी महंगे पैसे, सस्ती गाड़ी सस्ते पैसे। आ गए भाई, कहाँ गए, आ गए। इसका 130 रुपये पर व्हील बैलेंस पड़ेगा चारों व्हीलों विद टैक्स, और 380 का अलाइनमेंट लगा है। अच्छा, टोटल कितना आएगा फिर लगभग? 100, 260, 520, 520 और 600, 600, 900 रुपये। चलो लगा देगा ना वो यहीं पे। वैसे तो लोगों को पता रहता, लेकिन तब भी मैंने इन्हें बोल दिया था कि भाई फ्रंट के टायर पीछे कर देना, पीछे के टायर आगे कर देना। आप भी जब भी अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने जाओ, हमेशा जो फ्रंट के टायर है उन्हें पीछे कर देना, मतलब आगे के टायर पीछे, पीछे के टायर आगे, मतलब क्रॉस में कर देना। इससे गाड़ी के टायरों की लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अभी एकदम नट वट से एकदम पूरी नट से निकाल रहे हैं सारे चारों टायर, और अंदर लेके जा रहे हैं इसके बैलेंसिंग के लिए। देखते हैं भाई कितना वेट आता है। वैसे तो ये रिम है, इसमें ज़्यादा कोई वेट आएगा नहीं, मिनिमम 25-30 ग्राम तक के इतने ही वेट आएगा। और ये देखो भाई अपनी हो रही है, और ये जितने भी है ना पत्थर पुत्थर जो भी है और एक्स्ट्रा वेट, मतलब जो पहले के वेट जो लगे हुए थे ना प्रीवियस के, वो सारे वेट ये निकाल के टायरों से, पत्थर निकाल के टायरों में अच्छे PSI हवा भर के उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करते हैं तरीके से, क्योंकि तभी असली में पता चलता है कितना क्या वेट है। और ये देख लो भाई बढ़िया तरीके से अपना कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि भाई मैं अकेला गया था, और ये सारे मेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि भाई पता नहीं मैं इनका क्या कोई टेस्ट वेस्ट लेने आया हूँ, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। अब देखो ये गाड़ी जा रही है अपनी अलाइनमेंट के लिए। देख लो भाई अलाइनमेंट की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, एक दो क्लिप ही है वो, जो कि मैं आपको ऐड करके बता दूंगा, ठीक है। इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि भाई सब मेरे को ऐसे ही देख रहे थे कि मैं कहीं इन्वेस्टिगेशन करने तो नहीं आया उनकी, कि रेट प्राइस भी मैंने पहले पूछ लिए थे ना इनसे, ऐसा कोई पूछता भी नहीं है ऐसी हाई राइडर जैसी गाड़ी लाके, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। अभी अलाइनमेंट अपनी हो चुकी है, गाड़ी जा रही है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आउट थी हल्की हल्की। भाई अपनी अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गई है, और बिल बता देता हूँ। इन्होंने ना वो नहीं दिया जो एक पहले एक पेपर मिलता था ना, जिसमें लिखा रहता था कि अलाइनमेंट और अपनी जो बैलेंसिंग में जो वेट वगैरह लगा है, अलाइनमेंट कितनी आउट थी, वो अभी ये लोग नहीं देते, ठीक है। अभी मैं आगे चल के एक बार आपको बिल बता देता हूँ, और एक बार खुद भी चला के देख लेता हूँ कैसी क्या चल रही है, क्योंकि जब मैं चला रहा था तब ये राइट और लेफ्ट को जा रही थी गाड़ी, ठीक है। इन्होंने रोड टेस्ट तो कर ही लिया था, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी एक बार चला के देख लेता हूँ। तो गाइस मैंने भी गाड़ी का रोड टेस्ट ले लिया है, अब मुझे पता दिक्कत क्या आ रही है, जो मैंने आपसे बोला था ना। अब देखो मैं हल्का सा ऐसे टिल्ट कर देता हूँ स्टीयरिंग को, तो ये टिल्ट ही रह रहा है, ये मतलब बीच में नहीं आ रहा, देखो गाड़ी राइट साइड को जा रही है, ठीक है। वैसे गाड़ी, वैसे स्टेयरिंग अगर मैं इसका सीधा रखूं तो गाड़ी ऑलमोस्ट सीधी जा रही है, अलाइनमेंट की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मैं खुद से ही हल्का सा टिल्ट कर रहा हूं ना, तो ये स्टेयरिंग बीच में नहीं आ रहा है, ये स्टेयरिंग राइट साइड को जा रहा है, या लेफ्ट को करता हूं तो लेफ्ट को जा रहा है। एक बार मैं गाड़ी है ना यू टर्न लेके घुमा के दिखाता हूं, तो घुमा के अगर मैं यू टर्न लेता हूं ना तो बीच में आ जाता है, उसमें भी एग्जैक्ट बीच में नहीं आता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे जैसे मैंने अभी यू टर्न लिया, मैं एक्सेलरेशन दूं या ना दूं स्टेयरिंग वापस तो आ रहा है, लेकिन एकदम सेंटर में नहीं आ रहा है। ये देखो कर दिया, मोड़ दिया, अब ये देखो एकदम सेंटर में नहीं आ रहा है। ये देखो इतना तो रह ही रहा है, ये एकदम सेंटर में नहीं आ रहा है, ये क्या दिक्कत आ रही है मेरे को समझ नहीं आया। अगर आपके इसमें भी ग्रैंड विटारा या हाई राइडर में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, या तो इन गाड़ी का बिहेवियर ही ऐसा है, मतलब उसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स ही ऐसा है, या ये मेरी ही गाड़ी में दिक्कत आ रही है।
वैसे गाड़ी सही चल रही है, वैसे गाड़ी ओके चल रही है, कोई स्टेयरिंग में वाइब्रेशन नहीं है, कोई गाड़ी राइट या लेफ्ट को नहीं जा रही है, देखो एकदम सीधी चल रही है गाड़ी, एकदम सीधी चल रही है देखो, ठीक है। लेकिन बस वही है कि वो वाली दिक्कत आ रही है जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है इसमें, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग ठीक कर पाएंगे, या तो मुझे टोयोटा जाना पड़ेगा इसके लिए, और या तो फिर मेरे को इनका बिहेवियर ही ऐसा है, मेरे को गाड़ी के साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा, या तो ये हो सकता है कि इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स ही कुछ ऐसा हो। लोग कहते थे कि भाई मारुति की जो गाड़ियों का स्टेयरिंग है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो एस क्रॉस, हाइराइडर, ग्रैंड विटारा है ना, इनका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है और मारुति की गाड़ियों से कंपेयर करा जाए। अब देखो एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। अब देखो मैंने इतना सा स्टेयरिंग मोड़ा, ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने इस टाइम दे रखा है, ठीक है, अब मैंने मोड़ा, अब बीच में आ गया, ठीक है, और यहीं पे ही अगर मैं एक्सेलरेशन ना दूं, अभी मैं करके दिखाता हूँ फिर से। पहले ये चेक करो, मैंने लेन चेंज करी, लेन चेंज करने के लिए हल्का सा किया, अब देखो ये हल्का सा टिल्ट रह रहा है, हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा, तो मुझे लाना पड़ रहा है इसे बीच में। अब या तो ये मेरा वहम है, या तो इस गाड़ी का बिहेवियर ही ऐसा है, या कुछ ना कुछ लोचा है इसके स्टेयरिंग रिस्पॉन्स में। अब देखो मैंने गाड़ी मोड़ दी, अब मैं रेस दे रहा हूँ, रेस देने के बाद भी देखो इतना सा रह ही गया, ये देख रहे हो इतना सा रह ही जाता है ये, पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब ये लोग तो भाई देखो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक बार आप भी अपनी गाड़ी में यही करके देखना और फिर मुझे बताना, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बिल बता देता हूँ बिल कितने का है, एक बार गाड़ी साइड में रोक के बिल बता देता हूँ। पहले आपको फिर से एक बार कर्व में आ रहा है, कर्व आ रहा है, अब मैं यहाँ पर स्टेयरिंग ऐसे मोड़ूंगा, तब देखते हैं ये सेंटर में आता है या नहीं आता। ये देखो नहीं आया, मेरे को ही लाना पड़ रहा है, ये एक इसकी एक दिक्कत आ रही है जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फॉल्ट आ गया इसमें क्या है। ये लोग मुझे ये चीज़ मुझे आप बताना भाई, मैं आपको बिल बता देता हूँ कि अगर आप बाहर से अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाते हो तो बिल आता है आपका 900 रुपये का, ठीक है। ये देखो भाई 900 रुपये का बिल है, और इन्होंने जो वो होता है ना अलाइनमेंट कितनी आउट है, बैलेंसिंग में वेट कितने लगे हैं, वो पर्ची अब नहीं कटती, अब सीधा ये ऐसा ही बिल देते हैं, मेरे को तो इसने ऐसा ही बोला है, बाकी पता नहीं भाई, ठीक है। बाहर से कराओगे अलाइनमेंट बैलेंसिंग तो 900 की होगी, लेकिन वही वाली बात है यार, ये रीसेंटर में इसका स्टेयरिंग नहीं आ रहा है, बाकी तो सही चल रही है, लेकिन बस इसका स्टेयरिंग व्हील का मेरे को इशू आ रहा है। क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं हो सकती है वो तो भाई आप लोग मुझे बताना, वरना तो भाई देखते हैं इसका, वरना टोयोटा जाके एक बार पता करना पड़ेगा क्या है। अब दिक्कत पता ही क्या है, अब ये चीज़ मुझे पहले पता होती ना तो मैं टोयोटा से ही अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवा लेता और उन्हीं से बोल देता कि देख लो भाई आपकी गाड़ी रीसेंटर में नहीं आ रही है आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग, अब वही वाली दिक्कत है। अब चलो देखते हैं, बाकी आप लोग मुझे बताना, याद से बताना, ठीक है, अपनी गाड़ी में टेस्ट करके मुझे याद से बताना कॉमेंट करके, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइस ओके एंड बाय।